नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं अब तक के बिहार की बड़ी खबरों को। पटना के 14 निजी अस्पतालों में कोविड 19 मरीजों का करवाया जाएगा इलाज, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी कुमार रवि ने दी है। जिसके तहत उन्होंने बताया है कि निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए अस्पताल के प्रबंधक प्रतिनिधि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। मिली जानकारी के अनुसार सगुना मोड़ पर स्थित हाईटेक इमरजेंसी में आइसोलेशन बेड की संख्या 15 बताई गई है। वहीं राजेश्वर हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में आइसोलेशन बेड की संख्या 25 बताई गई है। सहयोग हॉस्पिटल पाटलिपुत्र में 17, मेडिवर्सल हॉस्पिटल कंकरबाग में 15, नेस्टिवा हॉस्पिटल गुरदनीबाग में 15, उद्यान हॉस्पिटल बोरिंग रोड और श्री साई हॉस्पिटल कंकरबाग में 30, जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल कंकरबाग में 25, कैपिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 44, गेटवेल हॉस्पिटल बेली रोड में 10, लाइन नर्सिंग होम बेली रोड में आइसोलेशन बेड की संख्या 8 है। वहीं होली क्रॉस हॉस्पिटल ईस्ट पटेल नगर में 10, जेडीएम हॉस्पिटल इंदिरा नगर में 45 बेड की उपलब्धता करवाई गई है, जहां मरीजों का इलाज करवाने का आदेश जारी किया गया है। देश में एक बार फिर से दर्ज किए गए रिकॉर्ड तोड़ मामले। भारत में रिकॉर्ड तोड़ मामलों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड 19 के रिकॉर्ड तोड़ 55,079 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 779 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा किए गए जानकारी के अनुसार भारत में कोविड 19 का एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा उछाल यही रहा है। इसके साथ ही देश में कोविड 19 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 16,38,871 पर पहुंच गया है। वहीं जान गंवाने वालों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। जुलाई में 10 लाख से अधिक भारत में सामने आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 10,57,805 मरीज कोविड 19 से ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,45,318 लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। बिहार में जारी लॉकडाउन में जाने किन चीजों में मिलेगी छूट। बिहार में कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर से 16 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का फैसला सुनाया गया है। राज्य सरकार ने इस बाबत गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत बिहार में 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक बिहार में केंद्र सरकार के कार्यालय और सभी सार्वजनिक निगम में 50% कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति दे दी गई है और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कृषि से संबंधित दुकान और सेवाओं में छूट दी जाएगी। बंद के दौरान टैक्सी और ऑटो सेवा पहले की तरह ही चलाई जाएंगी। बस सेवा को पूरी तरीके से बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं लगाई जाएगी। केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्टोरेंट को खोलने का फैसला सुनाया गया है। सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण अनुसंधान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। वहीं इन सब में चिकित्सा और आवश्यक सेवा प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखे गए हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में तेज बारिश की जताई संभावना। बाढ़ से परेशान चल रहे बिहारवासियों की मुश्किल अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के 10 जिलों में लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 10 जिलों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली को लेकर सतर्कता जारी कर दी गई है, जिसके तहत मौसम विभाग की अक्षीय रेखा के पटना से वाराणसी की तरफ गुजरने और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक के एक ट्रफ रेखा के गुजरने की वजह से बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बढ़ गई है, जिसके तहत आने वाले 24 घंटे में दरभंगा शहर, समस्तीपुर, सुपौल, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, मधुबनी, खगड़िया, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की फिर से दी नसीहत। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है। हालांकि कोविड 19 को देखते हुए कई विपक्षी दलों ने बिहार में विधानसभा चुनाव को स्थगित करवाने की मांग की थी, जिसको देखते हुए एक बार फिर से चुनाव आयोग ने कोविड 19 के मद्देनजर ऑनलाइन वोटिंग की संभावना से इनकार कर दिया है। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए सबको तैयार रहने की नसीहत दी है। मिली जानकारी के अनुसार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि चुनाव आयोग बिहार में 29 नवंबर से पहले करवा दिया जाएगा और सभी स्तर पर तैयारी करवाई जा रही है। इसके लिए चुनाव आयोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन से लेकर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने में भी लगा हुआ है। बिहार की गंगा गंडक और कोसी समेत कई नदियां लाल निशान के ऊपर। बिहार में बाढ़ की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। बांधों का टूटना भी लगातार जारी है। बिहार के कई स्थानों पर हुई जमकर बारिश के बाद गंगा कोसी समेत कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। वहीं पूर्वी चंपारण में बूढ़ी गंडक और रिंग बांध टूटने से कई नए इलाकों में पानी फैल गया है। सुगौली के भवानीपुर गांव के पास बांध पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 8वें दिन भी ट्रेनों का परिचालन बाढ़ के पानी की वजह से स्थगित रहा। वहीं पश्चिम चंपारण में कटाव से वाल्मीकि नगर में लगी भारत नेपाल सीमा पर बाढ़ की संभावना फिर से बढ़ गई है। इसी बीच में बाढ़ की वजह से 16 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 8 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु पुल के पश्चिमी हिस्से में 2 लेन पर यातायात सेवाएं फिर से शुरू करवा दी गई है। पुल का उद्घाटन दिल्ली के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। उद्घाटन के साथ ही शेष
बड़ी गाड़ियों के परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। लगभग 3 साल से बने सुपर स्ट्रक्चर की आयु 100 साल बताई गई है। गांधी सेतु के जीर्णोद्धार का काम 3 साल पहले जुलाई 2017 में शुरू हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के अनुसार बरसात के बाद पूर्वी 2 लेन के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाएगा। 4 लेन के पुनरोद्धार की अनुमति लागत 1742 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। कोविड-19 के कारण बिहार में बैंकिंग कारोबार 50% तक हुआ प्रभावित। बिहार में कोविड-19 के दौरान बैंकिंग कारोबार में 50% तक गिरावट दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बैंकों में रूटीन जमा और निकासी समेत कुछ जरूरी काम ही किए जा रहे हैं। ऐसे में इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून 2020 तक बैंकिंग सेक्टर के कारोबार में 50% तक गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में ऋण भुगतान नहीं के बराबर हो रहा है। कार लोन, प्लॉट लोन, भवन निर्माण से जुड़े लोन सहित अन्य लोन भुगतान बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। वहीं इस वित्तीय वर्ष में 1,45,000 करोड़ का ऋण दिए जाने का लक्ष्य था, मगर कोविड-19 के कारण बैंक ऋण की मांग घट गई है। चुनाव आयोग के खिलाफ राजद ने उठाए सवाल। लगातार कोविड-19 के इस माहौल में चुनाव को स्थगित करवाने की मांग कर रहे राजद ने अब चुनाव आयोग को अपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके तहत राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चुनाव आयोग को पत्र जारी कर लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे चुनाव कराना बेहद ही बेतुकी बात होगी। बिहार में भाजपा के अध्यक्ष समेत 75 पार्टी के पदाधिकारी संक्रमित हो गए हैं, जिस वजह से भाजपा प्रदेश कार्यालय को सील कर दिया गया है। ऐसे में हम चुनाव आयोग से जानना चाहेंगे कि बढ़ते संक्रमण के आंकड़ों के बीच क्या लोगों को संक्रमण से बचाने के अब तक के प्रयास से चुनाव आयोग संतुष्ट है? अगर हाँ, तो संतुष्ट होने का कारण नागरिकों को जरूर बताए, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो सके और अपना वोट दे सके। हिंदी साहित्य के सम्राट के रूप में पहचाने जाने वाले प्रेमचंद की आज है जयंती। मुंशी प्रेमचंद जी की आज जयंती है। प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रसिद्धि से आज कोई भी वंचित नहीं है। उनके उपन्यास की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा हुई कि उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि पर हिंदी फिल्म भी बनाई जा चुकी है। उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद जी सरल स्वभाव, सरल एवं विनम्र रहने वाले व्यक्ति थे। वहीं आज उनकी 140वीं जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद काफी मेहनती और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मुंशी प्रेमचंद जी मूल रूप से मुंशी उर्दू के लेखक थे। उन्होंने बाद में हिंदी साहित्य की कई सारी रचनाओं में हिंदी साहित्य को एक नया दिशा देकर मार्ग प्रशस्त किया था। वहीं मुंशी प्रेमचंद जी 8 अक्टूबर 1936 को दुनिया को अलविदा कह चुके थे। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय आए कोविड-19 की चपेट में। कोविड-19 के खिलाफ पूरे देश में इस वक्त परेशानी का माहौल जारी है। वहीं इसी बीच लगातार राजनीतिक नेता भी बड़ी तेजी से इसकी चपेट में आने लगे हैं। इसी के साथ बिहार के राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पटना के एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है। चंद्रिका राय विधायक हैं। चंद्रिका राय की तबीयत बिगड़ने के बाद उनका सैंपल लिया गया है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी तक सिर्फ चंद्रिका राय की रिपोर्ट सामने आई है। उनके परिवार में किसी के भी संक्रमित होने की पुष्टि नहीं की गई है, मगर चंद्रिका राय के संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेशन में रहने की नसीहत दी गई है। थाना स्तर तक नीतीश कुमार ने पुलिसकर्मियों की एंटीजन किट से जांच करवाए जाने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कोविड-19 को लेकर के सभी जरूरी कदम बिहार में उठाए जा रहे हैं। इसमें चिकित्सकों और प्रशासन से लेकर साथ साथ पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के दौरान कई सारे पुलिसकर्मी भी कोविड-19 संक्रमित हो गए हैं, इसलिए पुलिसकर्मियों का एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा, ताकि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। हमारा मानना है कि जो लोगों की सेवा करता है, सरकार उसका भी ख्याल रखती है। बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान 124 पुलिस बलों के उद्घाटन और 124 पुलिस भवनों के उद्घाटन और 96 पुलिस भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उक्त बातें कही है। चंपारण के दौरे पर निकले तेजस्वी यादव ने प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह चंपारण दौरे पर निकल गए हैं, जहां वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने वाले हैं। साथ ही प्रभावितों का हालचाल भी जानेंगे। आपको बता दें, तेजस्वी यादव कोविड-19 और बाढ़ दोनों मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आए हैं। दरभंगा और मधुबनी दौरे में भी तेजस्वी यादव ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की थी। वहीं आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश और नेपाल की तरफ से गए पानी के कारण बिहार में बाढ़ से चंपारण समेत 10 से ज्यादा जिले बुरी तरीके से प्रभावित है। लाखों की आबादी बाढ़ में अभी भी घिरी हुई है। सरकार के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बिहार में 4,000 मेडिकल ऑफिसर और 9,000 ए ग्रेड नर्स की होगी बहाली। कोविड-19 के बेकाबू हो रहे माहौल को देखते हुए मेडिकल अफसर और नर्स की तैनाती लगातार करवाई जा रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी बिहार में जल्द से जल्द 9,000 ए ग्रेड नर्स की नियुक्ति का दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 929 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति और उनकी पदस्थापना करवाए जाने की जानकारी भी साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि आने वाले समय में लगभग 4,000 मेडिकल अफसर के चयन की प्रक्रिया चल रही है और उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द करवा दी जाएगी। हर दिन जांच की क्षमता और स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार वृद्धि की जा रही है। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक जांच में तेजी लाई गई है और अब हर दिन जांच की क्षमता को बढ़ाकर 20,000 से ज्यादा कर दिया गया है।
कुलदीप यादव ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर खोले अहम राज। भले ही महेंद्र सिंह धोनी ने सालों पहले अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए कप्तान की भूमिका वो निभाते नजर आए हैं। खुद कप्तान विराट कोहली ने भी कई बार इस बात को स्वीकारा है कि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा उनके कप्तान रहेंगे। वहीं एमएस धोनी की कप्तानी में अपना डेब्यू करने वाले कुलदीप यादव ने भी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि धोनी जिस टीम में होना उनको बहुत फायदा मिलता है। कुलदीप यादव ने यह भी कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको और उनके साथ ही युजवेंद्र चहल को उनके अच्छे से हैंडल किया है। स्पिनर कुलदीप यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जब भी मैं धोनी के साथ खेलता था, मुझे अपने कोच की अनुपस्थिति कभी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करते थे और मुझे बहुत सलाह देते थे। वो हमेशा मुझे गेंद को स्पिन करने पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत देते थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच आपके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप खबरों को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।